हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो कैंपस ऐप है वो अब आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, मतलब ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपना कैंपस ऐप लैपटॉप में ओपन करने के लिए, या फिर आपको अपनी क्लास अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर में अटेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। और आपको अपने लैपटॉप में यहाँ यूआरएल में टाइप करना है www.bharatclassroom.com। ठीक है ना, भारत क्लासरूम CLASSROOM। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है भारत क्लासरूम डॉट कॉम। ठीक है, तो ये यूआरएल डाल के एंटर करना है, तो आपको इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। ठीक है, जहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है ना, जिससे हमने आपको कैंपस में ऐप ऐड किया है, वो डालना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट करके सेंड ओटीपी कर देना है। ठीक है, फिर आपको अपना मोबाइल जो है वो अपने पास ही रखना है, सो दैट आपका ओटीपी आ सके और आप ओटीपी इसमें डाल सको। ठीक है, तो कभी कभी कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से कुछ मोबाइल्स में हो जाता है कि ओटीपी थोड़ा लेट आता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और नेटवर्क में आ जाइएगा। ठीक है, तो मेरा ओटीपी आ चुका है। ठीक है, ओटीपी डाल के मैं कंफर्म कर दूंगा। तो आपको देखो यहाँ इंस्टीट्यूट में, आप जिस जिस इंस्टीट्यूट में ऐड हो वो आपको दिख जाता है। तो हम यहाँ पे तक्षशिला एजुकेशन सिस्टम में ऐड है, तो ओके करेंगे। तो हमें जो क्लासेस में आप ऐड हो, जिस भी क्लास में आप ऐड हो, है ना, एज अ स्टूडेंट, वो क्लासेस आपको यहाँ दिखने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी इस नंबर को 102 में ऐड किया है, तो क्लास 1 और क्लास 2 यहाँ पर दिखाई दे रही। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं है, इसलिए नो क्लास दिखा रहा है। बट अगर यहाँ पे कोई क्लास होती तो ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होता। तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा, जो लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप में पढ़ना चाहते हो, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक